Hello, students. Good morning to all of you. Today, we are going to read about magnification or linear magnification. In convex lenses, the size of image depends on the position of the object. कहता है कॉन्वेक्स लेंस में जो इमेज फॉर्म होता है उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के पोजीशन पर डिपेंड करता है. ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट पोजीशंस पर रखेंगे तो इसमें कभी इमेज छोटा भी बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, कभी इक्वल साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट का, और कभी उससे बड़ा भी बनता है. तो ओवर रिलेशन जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ द इमेज को शो करता है उसे हम लिनियर मैग्निफिकेशन या सिंपली मैग्निफिकेशन कहते हैं. एंड इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज लिनियर मैग्निफिकेशन और सिंपली मैग्निफिकेशन. इट इज डिनोटेड बाय, यहां देखिए, एम. एंड इट हैज नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं होगा. कारण देखेंगे कि यह जो है सेम जो है फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है. देखेंगे एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ होता है. अगर हाइट को हम सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करें तो हाइट ऑफ द इमेज भी सेंटीमीटर होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट भी सेंटीमीटर होगा. तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई यूनिट नहीं रह पाएगा. सो मैग्निफिकेशन इज ए प्योर नंबर, इट हैज नो एनी यूनिट. अब देखें ये आपको उसका डेरिवेशन पढ़ना नहीं है 10th क्लास में, लेकिन हम बताते हैं, बहुत इजी है. देखें लेट एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस एट इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस पर आप इसके 2f और f के बीच में भी रख सकते हैं, बियॉन्ड 2f भी रख सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा. तो हमने इसको बियॉन्ड 2f रखा है. देखिए यहां से एक रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है, जो लेंस पर इंसिडेंट करता है. एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन हम जानते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लेंस पर इंसिडेंट करेगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से होकर पार करेगा. तो देखिए यहां पर ये फोकस से होकर पार किया है. नेक्स्ट सेकेंड रे ऑफ लाइट विच स्टार्ट्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी एंड passes through optical center. And since we know that any ray of light when it passes through optical center it pass undeviated, इसमें कोई भी विचलन deviation नहीं होगा. And here these two refracted rays intersect each other at b dash and form a dash b dash the real inverted and diminished image of ab. इस प्रकार देखें कि ab का यहां पर ए डैश बी डैश रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज बन रहा है. अब इसमें देखें, देखिएगा आपको यहां पर देखें इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ. देखिए ए बी ओ में देखेंगे, ये देखिए ओ ए आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इधर देखें ओ ए डैश क्या है भाई, इमेज डिस्टेंस है. तो देखिए कैसे होगा, ये दो ट्रायंगल्स हमने लिया, इसमें देखिए एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू बी डैश ए डैश ओ 90 डिग्री है. देखें ए 90 है भाई और यहाँ ए भी 90 है. ये देखिए यही है बी ए ओ इज इक्वल टू बी डैश ए डैश ओ, दो 90 हुआ. और ये देखिए ए और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होता है. सो हेयर दीज टू एंगल्स इन द टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, सो बाई ए ए सिमिलरिटी These two triangles are similar. जब दोनों सिमिलर हो गए तो हम जानते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं. सो क्या हो गया, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ ए डैश. देखिए ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ ए बाई ओ ए डैश. अब देखिए ए बी क्या है भाई, ए बी क्या है, देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव. हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं. तो देखिए यह हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, यहां देखिए ए डैश बी डैश साइन कन्वेंशन हम यहाँ यूज कर दिए हैं, ये करना होगा. तो देखिए वहां देखिए उल्टा बन रहा है इमेज. जब देखिएगा यहां पर ये नीचे बनेगा तो इसका वैल्यू निगेटिव में आएगा,
तो देखिए यहाँ पर ये क्या हुआ भाई, ये आपका हाइट ऑफ द इमेज है, निगेटिव आ गया साइन। इज इक्वल टू देखिए ओए, ओए क्या है, देखिए हम जानते हैं कि किसी भी लेंस में उसके ऑप्टिकल सेंटर से सारा डिस्टेंस जो है मेजर किया जाता है, तो ओ से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो यह x का नेगेटिव साइड है, इसलिए ये जो है ओए जो है नेगेटिव होगा और ये ओए जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट इज यू माइनस हो गया। और देखिए राइट में गए तो पॉजिटिव हो गया, ये भी आपका हो गया, ओए डैश पॉजिटिव हो गया। अब देखिए एच ओ बाई माइनस एच आई इज इक्वल टू माइनस यू बाई भी, माइनस दोनों तरफ है कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, एच ओ बाई एच आई इज इक्वल टू यू बाई भी हो गया। अब इसको उल्टा कर दें, शुरू में भी हम ऐसा कर सकते थे, तो देखिए क्या हो गया एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू भी बाई। अब देखिए एच आई बाई एच ओ क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, देन एम इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू भी बाई यू, एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर्मूला फॉर लेंसेज, ए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है लेंस के लिए। अब देखें अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन होगा तो क्या होगा, या देखें एच आई बाई एच ओ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला था, एच आई बाई एच ओ इज ग्रेटर देन वन, अगर इसको हम राइट में ले जाएंगे तो एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ हो जाएगा, अर्थात जब मैग्निफिकेशन वन होगा तो हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में अगर हाइट ऑफ इमेज अगर ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन हमेशा वन से बड़ा होगा, और अगर हाइट ऑफ द इमेज अगर ऑब्जेक्ट से कम होगा तो मैग्निफिकेशन छोटा होगा वन से। यहां पर है मैग्निफिकेशन अगर लेस देन वन है तो क्या होगा, एच आई बाई एच ओ इज लेस देन वन, एंड देन एच आई इज लेस देन एच ओ, अर्थात हाइट ऑफ द इमेज जो है वह ऑब्जेक्ट से कम होगा, और अगर मैग्निफिकेशन वन होगा उस स्थिति में हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा ये मैग्निफिकेशन था, हम लोगों ने मैग्निफिकेशन को समझ लिया, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत आता है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हमारा नंबर आपके पास है। सो वी हैव रीड अबाउट मैग्निफिकेशन, योर होमवर्क, आई ऑलवेज टेल यू दैट यू डू योर होमवर्क एंड लर्न दिस फैक्ट। थैंक यू, चलिए हो गया सर।